हेलो एवरीवन वन एंड अवेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइस दिस लेक्चर फॉर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नोटिफिकेशन जो आज आउट हो चुकी है फॉर योर नबार्ड असिस्टेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड uh, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको ये पेपर फिलअप करना है या नहीं करना है ठीक है मैं आपको लास्ट के अंदर ये भी अपना एक ओवरव्यू दूंगा कि पेपर आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए बहुत से बच्चे इस कन्फ्यूजन के अंदर होते हैं कि हम भरें या ना भरें सर ठीक है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे वन साइड डिस्कस द सैलरी पार्ट जब मैं सैलरी पार्ट के ऊपर आऊंगा तब मैं उसको डिस्कस करूंगा तो पंद्रह सेप्टेम्बर को इसका एप्लीकेशन दैट इज फ्रॉम टूडे इट विल स्टार्ट एंड टेंथ अक्टूबर तक एप्लीकेशन डेट है तो आपने भरना है फॉर्म तो एक दो दिन के अंदर अंदर आप प्लीज़ भर दीजिए क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता लास्ट डेज में आप अभी भर दोगे आपको सेंटर भी अपने एरिया में मिल जाएगा एंड इट विल बी अ गुड थिंग भरना ही है अगर ये है कि हाँ सर हमने पेपर देना ही है फिर तो डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं होता फेज़ वन जो है आपका छः नवंबर को होगा तो आप ये लगा करके चलो कि आज से अगर मैं देखूँ तो आपके पास अराउंड एक महीना ट्वेंटी डेज का रफली आइडिया है तो आप ये लगा करके चलो कि अराउंड फिफ्टी डेज आपको आप मिलते हैं फिफ्टी डेज फ्रॉम टूडे विच इज़ अ गुड पीरियड अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो प्रीलिम्स का फेज टू का भी डेट यहाँ पर गिवन नहीं है लेकिन जनरली जो है वो विद इन मंथ और दो तो जो है वो डेट रहेगा आपका एक महीने डेढ़ महीने में तो थर्टी टू फोर्टी डेज के बीच का टाइम रहता है उस हिसाब से आप लगा करके चलें कि दिसंबर के अराउंड आपका पेपर जो है हो जाएगा फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के अंदर सीट्स इसके अंदर रीजन वाइज है जैसे आईबीपीएस क्लरिकल पोस्ट के अंदर या एसबीआई जूनियर एसोसिएट में होता है ना कि आपका रीजन वाइज आपकी पोस्टिंग होती है तो वही वाला सिस्टम यहां पर भी है आप अगर देखोगे जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की आप सीट्स देखें एंड अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर छह हैं जिसमें से तीन अनरिजर्वड हैं असम में दो हैं बिहार में दो हैं टोटल ठीक है तो ये देख कर के आप अप्लाई करें एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अप्लाई करें सिर्फ ये मत देखा कीजिए जब ये अप्लाई करते हैं ना आप तो ये मत देखा कीजिए कि भाई आप कोई बच्चा कहे कि महाराष्ट्र में पचहत्तर सीट है तीस अनरिजर्वड हैं एस सी एस टी ओ बी सी ये सब सीट्स हैं अब हर कोई आप ये सोचे कि नहीं यार मैं आसाम में रहता हूँ मैं आसाम से ना भर के आप महाराष्ट्र में भर दो ठीक है तो ये एक जो आपका डिसीजन होना चाहिए दिस शुड नॉट बी बेस्ड सोलली ऑन द क्राइटेरिया कि असम में दो सीट है और महाराष्ट्र में सेवेंटी फाइव सीट्स है वॉट यू हैव टू ऑल्सो सी एज कि प्रीलिम्स के अंदर कितना कट ऑफ था ठीक है क्योंकि कट ऑफ जो है वो भी स्टेट वाइज वेरी करेगा अब जिसमें दो सीट है और जिसमें सेवेंटी फाइव सीट है डेफिनेटली वेरी करेगा लेकिन डिफरेंस इसके अंदर एक और भी आ जाता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग Definitely that is also the thing that has to be considered क्योंकि उससे directly आपकी कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कई तो बार ऐसा होता है कि जहाँ पर सीट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर अप्लाई करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ उस रीजन की ज़्यादा जाती है तो कट ऑफ का एक आइडिया आपने को रखना इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस स्टेट के अंदर किस हिसाब से कट ऑफ गई थी और अगर आप पिछले साल की कट को देख रहे हो अगर आप पिछले साल की कट ऑफ को देख रहे हो तो उसमें आपने ये भी देखना है कि पिछले साल सीट्स कितनी थी क्या पता पिछले साल की महाराष्ट्र की कट ऑफ बहुत कम हो एज कम्पेयर टू असम आपको लगेगी कि वाह वाह चलो महाराष्ट्र भर दो बट अल्टीमेटली पिछले साल अगर डेढ़ सौ सीट हो और इस साल सिर्फ सेवेंटी तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो देखना दूसरी चीज़ आप अपनी जॉब की प्रेफरेंस देखो नौकरी सिर्फ इस चीज से नहीं होती है कि अल्टीमेटली मेरे को कहीं पर भी मिल जाए वो सिर्फ शुरू शुरू में लगता है उसके बाद आपको अपने और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं और उसको कंसिडर करते हुए सीट को फिलअप करें सिर्फ ये मत देखें कि महाराष्ट्र में सेवेंटी है या वेस्ट बंगाल में ट्वेल्व है तो वो उस तरीके से आप ना चलें रिकमेंडेड यही होता है कि आप अपने आसपास की स्टेट के अंदर ही भरें जो हम जनरली रिकमेंड करते हैं ठीक है जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है उसके अंदर तो कुछ खास सीट्स है ही नहीं तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर और उत्तराखंड में एक एक सीट है अनरिजर्व बाकी तो सारी रिजर्व सीट्स हैं और टोटल में चार सीट्स हैं यहाँ पर फिर भी टोटल में आपके पास वन सेवेंटी थ्री सीट्स हैं ठीक है तो ज़्यादा अगर आपने डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी में आपको लगता है तब भी मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जनरल जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो नॉर्मल पोस्ट है उसके अंदर अप्लाई करें ना कि हिंदी के अंदर क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम सीट्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं ठीक है उसके बाद आगे अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो काफी बच्चों को लग रहा था कि सर इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी ट्वेंटी एट ईयर्स होगी या थर्टी ईयर्स होगी ऐसा कुछ नहीं है एलिजिबिलिटी अच्छी है अगर आप इक्कीस से पैंतीस साल की एज के बीच में हो तो आप एलिजिबल हो यानी कि आपका जो जन्म है वो दो सितंबर 1987 से पहले का नहीं होना चाहिए और एक सितंबर 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए ये दोनों डेज इंक्लूसिव है ठीक है इंक्लूसिव हैं ये ऑल राइट तो इसका मतलब अगर आप दो सितंबर को भी आपका बर्थ हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो नाइनटीन उससे पहले हो गया तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो ऑल राइट एंड रिलैक्सेशन है एस सी कम्युनिटी के लिए पाँच साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए तीन साल का है पी डब्ल्यू बी डी के लिए दस साल का है जनरल uh, कैटेगरी में एंड उस तरीके से इसके अंदर क्ला है एक्स सर्विस मैन विडो डाइवोर्स वुमेन वुमेन जुडिशली सेपरेटेड इनके लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद डेवलपमेंट uh, असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की किसी भी डिसिप्लिन के अंदर कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो आपका मिनिमम पचास परसेंट नंबर होने चाहिए यह जनरल कैटेगरी के लिए है अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपके लिए पास क्लास पास क्लास क्या होता है जनरली थर्टी थ्री परसेंट होता है ना पास क्लास तो बेसिकली अगर आप पास हो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो उसमें फिफ्टी परसेंट वाला रूल नहीं चलेगा डेवलपमेंट असिस्टेंट में भी वही सिस्टम है मिनिमम पचास परसेंट नंबर आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री के अंदर ठीक है और या फिर आपके पास हिंदी या इंग्लिश की डिग्री होनी चाहिए आ, हिंदी या इंग्लिश उसमें मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे जस्ट गिव मी सेकंड ओके चलिए आगे चलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लीजिए जैसा जनरली जूनियर एसोसिएट का पेपर रहता है आई एस या एस आई में प्रीलिम्स बिल्कुल वैसा है आपका इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग इसके अंदर एलिमेंट है लेकिन यहाँ पर जनरली जो पेपर होते हैं आई एस या एस आई में उसमें इंग्लिश का वेटेज कम रहता है ठीक है और आपका जो रीजनिंग है या न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसका कंपेरिटिवली वेटेज जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है चालीस क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे विच विल बी फॉर फोर्टी मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी थर्टी क्वेश्चन रहेंगे फॉर थर्टी मार्क्स एंड रीजनिंग जो है वो भी आपके थर्टी क्वेश्चन रहेंगे थर्टी मार्क्स सेक्शनल टाइमिंग इसके अंदर नहीं है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है सेक्शनल टाइमिंग नहीं है इसके अंदर आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा कॉम्पोजिट टाइम जो है वो आपका कितना टाइम होगा सिक्सटी मिनट्स का दोस्तों वो आपका टाइम होगा कितना सिक्सटी मिनट्स का आपका कॉम्पोजिट टाइम इसके अंदर जो है वो रहेगा इस चीज को ध्यान में रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम आपको मिल रहा है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ये सेक्शनल uh, टाइमिंग नहीं है ये ध्यान में रखिएगा मेंस एग्जामिनिंग एग्जामिनेशन के अंदर देखो रीजनिंग यहाँ पर जो आपकी uh, प्री में है वो यहाँ पर भी आएगी क्वांट यहाँ पर भी आ जाएगा ठीक है उसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपका कंप्यूटर uh, नॉलेज इसके अंदर जो है वो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज की और वेटेज काफी अच्छी इसके अंदर रहेगी कंप्यूटर नॉलेज की 40 मार्क्स की वेटेज जो है कंप्यूटर नॉलेज की इसके अंदर रहेगी ठीक है 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के उसके अलावा जनरल अवेयरनेस का एलिमेंट है जहां पर स्पेशल फोकस जो है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग को है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जैसा आपका नबार्ड ग्रेड ए के अंदर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहता है वैसा ही रहेगा फोकस रहेगा करंट अफेयर्स के ऊपर और जो जनरल uh, एग्रीकल्चर के स्टैटिक एरियाज uh, हैं वहाँ पर और बैंकिंग करंट अफेयर्स के ऊपर पचास क्वेश्चन इसके रहेंगे तो सबसे मेजर पोर्शन यही है पचास नंबर के लिए और इसके अंदर भी पेपर जो है इन चार कंपोनेंट्स के लिए आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा नब्बे मिनट का ठीक है डेढ़ घंटे का समय मिलेगा आपको इन चार सेक्टर्स के लिए इन चार सेक्शंस के लिए सेक्शनल टाइमिंग नहीं है इसके अंदर आपका एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा उसके लिए आपको थर्टी मिनट्स मिलेंगे उसके अंदर एस प्रेसी राइटिंग रिपोर्ट लेटर राइटिंग जैसे टॉपिक्स रहेंगे ठीक है और ये पचास नंबर का है टोटल आपका जो फेज टू है वो अगेन दो सौ नंबर का आपका रहेगा ठीक है तो ये आपने ध्यान में रखना है और ये आपका बेसिकली टू स्टेज क्राइटेरिया इसका पेपर का रहेगा उसके बाद अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए फिल कर रहे हो तो इसके अंदर क्या है देखो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है और एक रीजनिंग का टेस्ट है लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह यहाँ पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा जो है हिंदी वो थर्टी क्वेश्चन होंगे थर्टी मार्क्स का और ये साठ नंबर का होगा तो अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए फिलअप कर रहे हो तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का एलिमेंट नहीं रहेगा प्रीलिम्स के अंदर मेन्स की अगर बात करें तो रीजनिंग इसके अंदर आ जाएगा ठीक है उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस जो है उसमें पचास का था इसमें चालीस का हो गया ठीक है जी कंप्यूटर नॉलेज उसमें भी चालीस का था इसमें भी चालीस का रहेगा और जो आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर सेम है पचास नंबर का यहाँ पर आपका अगेन अगर आप आप ध्यान से देखोगे जो डिफरेंस है अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर आपका रीज रीजनिंग के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी था ठीक है तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हट गया है यहाँ पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज आ गया है और ये पचास क्वेश्चन होंगे पचास नंबर के इसमें भी आपका सेम चीज रहेगी पहले चार के लिए आपको नब्बे मिनट मिलेंगे डेढ़ घंटा और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए थर्टी मिनट मिलेंगे अगर आपका पेपर वन और पेपर टू यानी कि फेज वन और फेज टू क्वालिफाई हो जाता है तो उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा ठीक है अगर लेकिन आपके पास टेंथ या ट्वेल्थ की मार्कशीट है जिसके अंदर आपका आ, जो भी स्पेसिफाइड लैंग्वेज है लैंग्वेज क्या है जिस स्टेट को आप चूज करते हो जिस भी स्टेट को चूज़ करते हो उस स्टेट की स्टेट लैंग्वेज होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हरियाणा चूज़ किया तो हरियाणा की स्टेट लैंग्वेज क्या हो गई हिंदी हो गई ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने यूपी uh, चूज़ किया तो यूपी की स्टेट लैंग्वेज क्या हो गई हिंदी हो गई ठीक है तो इस तरीके से उस स्टेट की स्टेट लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए उसके लिए टेस्ट होगा लेकिन अगर आपने दसवीं में या बारहवीं में टेंथ क्लास में या ट्वेल्थ क्लास में उस लैंग्वेज से अपना पेपर दिया था ठीक है वो आपकी मार्कशीट के अंदर है तो फिर आपको प्रोफिशियंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है यह भी एक फायदा होता है जब आप अपनी स्टेट से अप्लाई करते हो अब आपने महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया वहां पर मराठी लैंग्वेज में मांगेगा तो कैसे सीखोगे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट है ना तो वो भी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होती है उसके बाद नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी रहेगी वन फोर्थ मार्क की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी रहेगी ओके सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा फेज़ वन फेज़ टू का एंड उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी ठीक है और फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर सिर्फ आपके फेज़ uh, टू के मार्क्स जो है वो लगेंगे और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है जनरली क्या होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपरों के अंदर क्वालिफाइंग होता है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो मेरिट का सेक्शन है ये याद रखना नंबर जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर फाइनल मार्क्स जो बनेंगे उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के नंबर काउंट होंगे कहीं उस धोखे में रह जाओ कि नहीं ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है ठीक है क्वालिफाइंग नहीं होता इसको आपको क्लियर करना पड़ता है अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दू सैलरी के ऊपर आ जाओ सैलरी इसकी बेटा प्रेजेंटली आप सारा मिला जुला करके जो आपको अप्रोक्सीमेटली इन हैंड हैं पड़ेगी स्टार्टिंग में थर्टी टू थाउजेंड पड़ेगी एज पर द तो नोटिफिकेशन अब कहीं बच्चे कहेंगे कि सर सैलरी बड़ी कम है देखो बेटा सरकारी नौकरी में एक चीज ये भी होती है कि आप एक बार एंटर कर जाओ ठीक है डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रमोशन ये वो सब हो हो करके आप ग्रो करते रहते हो और इसका इस पेपर में अगर आपका सिलेक्शन हो गया नबार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर अगर आप एंटर कर जाते हो तो आपको कोई रोक थोड़ी रहा है कि आप बाकी के पेपर नहीं दे सकते आप इसके अंदर एंटर कर जाओ आप सिक्योर हो जाओगे उसके बाद आप बाकी के पेपर देते रहो धीरे धीरे आप नबार्ड के अंदर ग्रेड ए तक भी जा सकते हो ठीक है एक बार आप एंटर कर जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है तो शुरू में जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो थर्टी 32,000 थर्टी टू थाउजेंड से ज़्यादा प्राइवेट जॉब में ही अर्न कर लूंगा या तो मेरे को ये सैलरी कम लग रही है मैं ऑफिसर स्केल के ऊपर सीधा जाऊँगा तो उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो तो आप भर दो इस फॉर्म को ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपका एक्सपीरियंस भी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और साथ के साथ आप फर्दर अपनी करियर के अंदर बिल्डिंग बिल्डअप build जो है वो कर सकते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी तो भरो सब लोग जिन्होंने नबार्ड ग्रेड ए का पेपर भरा था वो ये पेपर भी ज़रूर भरें ठीक है एप्लीकेशन फीस ज़्यादा महंगा भी नहीं है आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो साढ़े चार सौ रुपये का है और जो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एक्स सर्विसमैन है पचास रुपये का सिर्फ फॉर्म है तो ज्यादा महंगा फॉर्म नहीं है डेवलपमेंट असिस्टेंट का ठीक है जनरली 800 900 के फॉर्म्स होते हैं तो ये काफी सस्ता जो है फॉर्म आपके लिए है अब यहां पर मैं एक चीज आपको ध्यान में आपके लाना चाहूंगा अगर आप नोटिफिकेशन में नीचे जाते जाएंगे ये स्पेसिफिक लैंग्वेज है बेटा स्टेट की तो अब मैं वही चीज आपको बोल रहा था ना जैसे महाराष्ट्र है अब कोई असम का बंदा है उसको असामीज आती है या कोई और लैंग्वेज आती है हिंदी इंग्लिश आती है अब आपको मराठी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भर दिया आपका फेज़ वन और फेज़ टू क्लियर होने के बाद आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा मराठी के अंदर वो लिखवा करके देखते हैं वो प्रॉपर एक टेस्ट होता है ठीक है तो फिर आपको वो लैंग्वेज भी लर्न करना पड़ेगा सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगू है असम में एस है बिहार में हिंदी छत्तीसगढ़ में हिंदी तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा कि जिस स्टेट से आप भर रहे हो आप कोई उड़ीसा से भर ले उसको और आती नहीं तो अल्टीमेटली दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ठीक है क्योंकि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में लैंग्वेज लर्न कर पाना एकदम से ठीक है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें जब आप स्टेट चूज कर रहे हो फॉर्म फिल करने के लिए ऑल राइट सो दिस इज ऑल नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं अब एक चीज मैं यहाँ आप पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसके अंदर आपकी किस तरीके से हेल्प करूंगा जितने भी बेटा मेरे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर आएंगे एग्रीकल्चर के वो सारे के सारे आप लोगों ने देख लेने हैं चाहे वो स्टैटिक है चाहे वो आपके करंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं ठीक है वो सारे लेक्चर्स आपने देख लेने हैं जितने भी नबार्ड के ग्रेडे के लिए डाल रहा हूँ या जो भी है वो सारे के सारे लेक्चर्स आपने देखने हैं उसके अलावा आप अगर एम सी क्यू कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो नॉन वीडियो जो ए आर डी का है, नहीं भी लेना चाहो तो वो आपकी मर्जी है ठीक है वो उसके अंदर कोई मैं चीज़ नहीं बोल रहा लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपने कनेक्ट रहना है ठीक है यूट्यूब को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके ऊपर ही आपको इतना सारा कंटेंट मैं डाल दूंगा जब तक आपका पेपर आएगा कि आपको वो काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है और जो ऑलरेडी लेक्चर्स डले हुए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स देख लो चाहे वो क्रॉप डाटा के लेक्चर्स हैं चाहे वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स एग्रीकल्चर स्कीम्स के लेक्चर्स हैं स्टैटिक एग्रीकल्चर के लेक्चर्स हैं जो भी डले हुए हैं वो सारे देख लीजिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं उस डाउट को हम रिजॉल्व कर देंगे ठीक है चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर एंड बाय